गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो टुडेज टॉपिक इज मैकेनिज्म ऑफ एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. ओके, मैं कल बताया था कुछ रिएक्शंस. आज स्टूडेंट्स मैं आपको बोलूँगा कि सपोज यू हैव लाइक दिस एंड हियर दैट इज एनओ टू ग्रुप. ओके, मीन्स वन क्लोरो फोर नाइट्रोबेंजीन. ये जो कंपाउंड है वन क्लोरो फोर नाइट्रोबेंजीन, if you react this one with NaOH, okay, and in this case what you have to do, you have to give less temperature, means less heat you have to give, because ye jo nitro group hai this is an activating group. Okay, to activating group to isliye kya karna padega, is reaction mein aapko kam heat dena padega, around you have to give 443 kelvin and H plus. Okay, so you will get four nitrophenol. Okay, OH, and this is NO2. Okay, so suppose आपने डायरेक्ट क्लोरोबेंजीन लिया था, ये नाइट्रो ग्रुप नहीं लगाएंगे, क्लोरोबेंजीन लेंगे तो देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गिव हाई टेम्परेचर, मीन्स यू हैव टू गिव 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 एटीएम प्रेशर. ओके, बट दिस केस देर इज ए एक्टिवेटिंग ग्रुप नाइट्रो ग्रुप, दैट्स वाई यू हैव टू गिव लेस हीट, दैट इज 443 केल्विन इफ यू गिव, देन यू विल गेट 4 नाइट्रो फिनॉल. इफ आई यूज लाइक दिस, सपोज एक नाइट्रो ग्रुप लगाया, दो नाइट्रो ग्रुप लगाऊंगा तो व्हाट विल हैपन, हियर दैट इज Cl, देर इज NO2 ऑर्थो पोजिशन एंड पैरा पोजिशन देर इज अनदर NO2 ग्रुप एंड प्लस NaOH, एंड इन दिस केस व्हाट यू हैव टू डू, ये जो टेम्परेचर 443 केल्विन टेम्परेचर था, ये टेम्परेचर कम हो जाएगा, मीन्स यू हैव टू गिव 368 केल्विन ओनली. ओके, मतलब जितना NO2 ग्रुप लगाओगे वो रिएक्शन उतना फास्ट हो जाएगा. ओके, तो फास्ट क्लोरोबेंजीन केस में आपने 623 केल्विन दिया था, इन दिस केस यू हैव टू गिव 443 केल्विन, एंड इफ यू एड टू नाइट्रो ग्रुप देन और आपको हीट कम करना पड़ेगा 368 केल्विन. ओके, and you will get like this, this is OH, in this case this is NO2 and NO2. Okay, अच्छा, सपोज दो नाइट्रो ग्रुप, तीन नाइट्रो ग्रुप लगाऊंगा तो और आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, और कम करना पड़ेगा, मीन्स 323 केल्विन आपको देना पड़ेगा, देन ओनली यू विल गेट दैट फिनोलिक OH, मतलब फिनोलिक OH कंपाउंड यू विल गेट. ओके, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये जो ग्रुप्स है, ये जो नाइट्रो ग्रुप्स है, जितना नाइट्रो ग्रुप लगाओगे उसका रिएक्टिविटी उतना फास्ट हो जाएगा, बिकॉज ये जो नाइट्रो ग्रुप है दैट इज ए माइनस आई एंड माइनस आर इफेक्टिव ग्रुप, नेगेटिव इंडक्टिव ग्रुप एंड माइनस एम, मीन्स एम और माइनस आर आप कुछ भी बोल सकते हैं उसको. ओके, मेजोमेरिक ग्रुप, नेगेटिव मेजोमेरिक ग्रुप, मीन्स क्या है, ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा तो व्हाट विल हैपन, ये जो कार्बन सेंटर है ये इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा, तो आसानी से ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो OH- अटैक कर पाएगा. इसका मैकेनिज्म हम लोग करेंगे तो देन तो समझ में आ जाएगा. सो लेट्स टेक दैट एग्जांपल, वन क्लोरो फोर नाइट्रोबेंजीन, दिस कंपाउंड वन क्लोरो फोर नाइट्रो, नाइट्रो मीन्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं N प्लस डबल बॉन्ड O O माइनस. ओके, वन क्लोरो फोर नाइट्रोबेंजीन, सो इफ यू रिएक्ट दिस वन विथ OH- इज योर न्यूक्लियोफाइल, देन व्हाट विल हैपन, ये जो ये क्या करेगा, दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक टू दिस कार्बन सेंटर, इस कार्बन सेंटर अटैक करेगा. क्यों करेगा स्टूडेंट्स, बिकॉज ये जो कार्बन सेंटर है ये सफिशियंटली इलेक्ट्रोफिलिक बन जाएगा. कैसे इलेक्ट्रोफिलिक बनेगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस नाइट्रो ग्रुप, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं. दैट मीन्स इफ इट अटैक हियर देन ये जो ग्रुप है दैट विल कम हियर एंड ये जो है ये इसमें आएगा. ओके, सो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट लाइक दिस, दिस इज Cl हियर OH. ओके, एंड इट विल कम हियर एंड इधर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, दिस इज N प्लस, दिस इज डबल बॉन्ड O, O माइनस. ओके, लाइक दिस,
So after this, if you draw the resonating structures, then what will happen? This negative will come here, and ये वाला जो bond इसका ऊपर shift हो जाएगा. Okay? So what you will get? You will get like this. This Cl is OH double bond N plus O minus. Okay? After this, what will happen, students? And this negative will come here. इधर आएगा तो फिर ये वाला जो बॉन्ड है इस साइड में आएगा. ओके, देन इस साइड आएगा तो व्हाट विल हैपन, ये जो बॉन्ड है ये इधर आ जाएगा. ओके, दीज ऑल आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. सो व्हाट विल हैपन स्टूडेंट्स, सो यू विल गेट लाइक दिस. ओके, दिस विल बी एन प्लस डबल बॉन्ड ओ, दिस इज ओ माइनस here and this is here, like this Cl OH. Okay, so final step में क्या होगा कि ये जो negative charge है ये इधर आएगा, then क्या हो जाएगा, ये जो Cl- है जो leaving group है निकल जाएगा. So this is the mechanism of this reaction. Okay, and finally you will get this one, N plus double bond O minus this OH minus Cl minus. Okay, so these are the resonating structures and this is the mechanism how this reaction takes place. You can see here, this first what will happen, this nucleophile will attract to this carbon center. Why this carbon center? Because this carbon center is sufficiently electrophilic. Means kya hai, due to the presence of this group, kyunki ye jo group hai isme resonance hai, ये रेजोनेंस के तरफ पे अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, देन आपको ऐसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिल जाएगा. फाइनली ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा एंड क्लोराइड निकल जाएगा. ओके, सो दिस इज द रिएक्शन मैकेनिज्म. नेक्स्ट क्लास विल गो ऑन फर्दर. थैंक यू.